सब्सक्राइब टू टेक रश्मि एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, फाइनली टिकटॉक पर बैन हट गया है, अभी तो खुश हो ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी वजह से टिकटॉक पर बैन हट गया और ये प्ले स्टोर पर कब अवेलेबल होगा। तो लास्ट में जो मेन पार्ट है मैं आपको बताऊंगी, जो टिकटॉक बैन हुआ था उसमें उनका कितना लॉस हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अब मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो है जनता, वन लाइक बनता। फ्रेंड्स, फास्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टिकटॉक पर क्यों बैन हट गया। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जानते नहीं हैं तो टिकटॉक पर क्यों बैन है, तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर मैं आपको फुली बताया था कि टिकटॉक पर क्यों बैन लगाया गया है। उस वीडियो को आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अभी नहीं देखना है, इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देख लीजिए, उसके बाद जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो फास्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जो मद्रास हाई कोर्ट को, आपको टिकटॉक पर परमानेंट बैन लगाना है या बैन हटाना है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कल जो है बता दिया कि टिकटॉक को अनबैन कर लीजिए, जो नो बैन कर लीजिए, क्योंकि जो लड़का इससे जिसका डेथ हुआ था वो उनकी वजह से हुआ था, इसमें टिकटॉक का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक को फिर से अनबैन कर लिया। तो उसके बाद आता है मेन रीज़न, ये कब जो प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा 2-3 दिन के बाद, फिर से आपको ये प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। दो है टिकटॉक, इसका जो बहुत ही मिलियन ऑफ यूजर है, तो इसलिए इसको नो बैन कर दिया गया। तो मेन बात है, जो 10 या 12 दिन जो टिकटॉक बैन हो गया, इस बैन में जो इनका लॉस हो गया, जो टिकटॉक का CEO बताते हैं उनका लगभग 3 करोड़ लॉस हो गया इस टिकटॉक बैन की वजह से। तो 10-12 दिन बैन हुआ इंडिया में, ओनली इंडिया में 10-12 दिन इसका जो टिकटॉक बैन हुआ उनसे उनका 3 करोड़ लॉस हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकटॉक का कितना यूजर है इंडिया में, कितना मिलियन ऑफ यूजर है, और पर डे कितना वीडियो डालते हैं, तो उसमें उनका कितना इनकम होता है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि इंडिया का पैसा वो चाइना में कैसे ले जाते हैं, जो चाइना का टिकटॉक है। तो ऐसा आप जानते हैं कितना मिलियन ऑफ यूजर है, कितना बड़े बड़े स्टार हो गए हैं टिकटॉक पर। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप टिकटॉक यूज करें, सेफ से यूज करें, ऐसा आप ना करें कि किसका जान चले जाए। बस इतना ही, टिकटॉक नो बैन हो गया है, आप टिकटॉक फिर से आप यूज कर सकते हैं, 2-4 दिन के बाद ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो था, मुझे आपको ये सब बताना था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। आप जैसे देख सकते हैं कितना गर्मी हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, रुकता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब टू टेक रश्मि एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट।